राजनापुर पेरिस सातवां वार्षिक शिविर संदेश कुल दिवस का नाम से इस समय आप सबों का विनती को मैं स्वीकार किया और इस झंडा को लहराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस झंडा को इस लहराता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से झंडा के विषय में दो शब्द मैं बोलना चाहूंगा। हम भिन्न भिन्न देश हैं और भिन्न भिन्न देश में अपना एक पहचान के रूप में झंडा को लहराते हैं। हमारा भारतवर्ष में तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा आजाद के लिए लहराया गया, किंतु मसीह कलीसिया में हम लोग झंडा को यीशु मसीह के नाम से संगठन या तो संस्था या कलीसिया स्थापित की गई है और जहां कहीं भी हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं तो कार्यक्रम के आरंभ में हम लोग यीशु ख्रीस्त को स्मरण करते हैं और उसको स्मरण करने के द्वारा से उस झंडा को लहराते हैं। इस समय हम लोग राजगंजपुर पेरिस के सातवां वार्षिक शिविर संदेश को दिवस के रूप में इस समय जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए इस झंडा को लहराया गया, अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम सबों को पाप से बचाने के लिए क्रूस पर अपने जान देने के द्वारा से, क्रूस पर क्रूसित होने के द्वारा से हम उसकी उस बातों को स्मरण करते हुए झंडा को लहराते हैं एक विजय चिन्ह। और हम भी आज सातवां वार्षिक शिविर के रूप में संत जेवियर्स चर्च बागलता में हम लोग एकत्रित हैं और इस कार्यक्रम को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आरंभ करके उसी के नाम में हम समापन करेंगे, यह उम्मीद और आशा लेते हुए और उस विश्वास में हम इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और इस विश्वास में हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हर एक अधिकारियों को, मंडली के प्रचारकों को, साक्षियों को, साध्यक पैरिस के अंतर्गत हैं, संडे स्कूल्स के शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी संडे स्कूल बच्चे हैं, जवान युवती, हम इस झंडे तले हर एक कार्यक्रम को करते हैं। हम यहाँ से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं आशीष के रूप में, वरदान के रूप में, घर में, परिवार में और देश के अंत तक हम इस बातों को फैलाएं, जैसा यीशु मसीह आज कल और जीवांजुक एक सा है। देखो मैं जगत के अंत तक आप सबों के साथ हूँ, अर्थात उस बातों को हम फैलाएं। प्रेरित क्रिया 1:8 पर लिखा है, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब यरूशलेम में, समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हम उस चिन्हों को प्रकट करने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, उसके पुष्ट होने में हम सहायता करते हैं। और इस उद्देश्य से हमने इस समय इस झंडा को पहराया है और इस झंडे के पहराने के द्वारा से हम अपने कार्यक्रमों को आरंभ कर रहे हैं। इस बातों के साथ ही हम समाप्त करना चाहते हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का वचन कुलोसी 3 और उसका 17 पद में लिखा है, काम से या वचन से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो।
अब त्रिएक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सेनाओं की यहोवा प्रभु परमेश्वर पिता तू पवित्र 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 असंख्य स्वर्गदूत स्वर्ग के सिंहासन के चारों ओर अविराम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हम भी मानव जातियों को तूने बनाया है तेरी महिमा के निमित्त तूने अपनी कलीसिया में भिन्न भिन्न जगहों से इस समय हम सबों को एकत्रित किया। हम आज इस बागलता संत जेवियर चर्च के तले इस झंडा को ला रहे हैं प्रभु, और उस कार्यक्रम को जो एक एक जनों के माध्यम से फैलाना चाहता है, उसमें जो हम आज सीखेंगे और उसमें आनंद मनाएंगे, आपके वचनों से हम सामर्थ पाएंगे, हम यहाँ तक सीमित ना रखें परंतु उसको एक दूसरे के सामने से बांटते हुए हम जगत के अंत तक तेरी गवाह के रूप में जीवन व्यतीत करने पाए, जिससे तेरी महिमा हम इस सांसारिक जीवन से करते हुए अंत में स्वर्गीय स्थान पर जहाँ पिता की दयनीय ओर आप विराजमान हैं हम भी उसमें जगह पाए। सारी आदर और महिमा देते हुए आपके बेटे यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर आमीन। शायद वचन विशुद्ध द्वारी है, हम अनुग्रह वचन को एक संग कहें। अबुआ सीमा का निबंधन सुनती हम सब को धन जो का सहाय